इस वक्त मेरी मौजूदगी जेपी नड्डा के घर पर है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बता दें कि यहाँ पर एनडीए की बैठक चल रही है और यह बातचीत हो रही है कि किस को क्या मंत्रालय दिया जाएगा, कौन से मंत्रालय में किसको जगह दी जाएगी। बता दें कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ कल जिस प्रकार से एनडीए की बैठक पीएम आवास पर हुई थी, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन आज जेपी नड्डा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पर बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा आरएसएस के कई बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं और इस बात पर बातचीत हो रही है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की भी कल बैठक हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और एम के स्टालिन समेत तमाम जो नेता हैं इंडिया अलायंस के, उन्होंने भी बैठक में हिस्सा लिया था। और इंडिया अलायंस की तरफ से यह भी कयास लगाया जा रहा है कि किसी भी तरह से एनडीए की सरकार को बनाने से रोका जाए। और कल देर रात जब एयरपोर्ट पर जब एम के स्टालिन गए थे, तो इस दौरान चंद्रबाबू नायडू से एम के स्टालिन ने मुलाकात भी की थी। इस बात की जानकारी खुद एम के स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए चंद्रबाबू नायडू के साथ दी है। वहीं सरकार बनाने को लेकर कयास तेज किए जा रहे हैं और जेपी नड्डा के घर पर तमाम दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके साथ पिछले एक दो घंटे से बैठक चल रही है। निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे की जो रूपरेखा है एनडीए की सरकार की वो तय की जाएगी, किसे कौन सा विभाग और कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। क्योंकि एनडीए को इस बार जो कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि एनडीए को मिलाकर उसे पूर्ण बहुमत जरूर मिला है। हालांकि जो गेम चेंजर है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो कि गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, और इंडिया अलायंस की तरफ से भी तमाम यही कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को किसी भी तरह से अपने पाले में खींचा जाए। यही वजह है कि देर रात जब एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू एयरपोर्ट पर वापस जा रहे थे, तो इस दौरान दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। हालांकि सोनिया गांधी ने भी यही कहा है कि किस तरीके से इस बार जो सरकार मोदी की बनने जा रही है उसे कैसे भी किसी भी प्रकार से रोका जाए, क्योंकि तमाम जो कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन में जो साथी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें या फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, तमाम दिग्गज नेताओं ने कल बैठक की थी और यही कयास लगाया जा रहा है कि इस बार किसी भी प्रकार से जो एनडीए की सरकार है वो ना बन पाए। और संजय राउत भी यह बात कह चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि एनडीए की सरकार नहीं बन सकती है। दिल्ली से निखिल कुमार, आधार हिंदी के लिए।